अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहत से नवाजे, जो बीमार हैं वो शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ज़बरदस्ती वेंडर स्पेशल मूंग की दाल हलवा लेके आए। इसके लिए मैं सबसे पहले एक कप मूंग की दाल ले ली थी। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे अच्छी तरह से पानी में भिगा ली मूंग की दाल को। चलिए इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे अपन। ग्राइंडर के मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे इसका। इसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊँगी मैं। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह से देखिए पेस्ट बन गया। चलिए अब हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए सबसे पहले एक कढ़ाई रख ली, गैस ऑन कर ली मैं। घी ऐड करेंगे इसमें। चलिए घी ऐड कर दी मैं, तकरीबन ये आधा कप घी है। चलिए घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। इसमें सूजी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच चाहिए सूजी। रवा यानी के रवे को अच्छी तरह से गोल्डन कलर करेंगे, अच्छा भुनेंगे इसमें घी में ही। अच्छा पहले रवे को अच्छी तरह से भून लेंगे। रवा डालने से मूंग की दाल के हलवे का टेस्ट अच्छा आता और अच्छा रवे से अच्छा बन के रेडी होता अपना मूंग की दाल का हलवा। ज़रूर ट्राई करिए, और विंटर में बहुत स्पेशल बन के रेडी होता, बहुत अच्छा दिखता। गरम गरम हलवा सर्व करिए आप, बहुत मज़े का दिखता। चलिए इसको अच्छी तरह से गोल्डन कलर कर लेंगे अपन इसका, रवे का। चलिए देख सकते हैं रवे का अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया। इसमें अपन मूंग की दाल ऐड करेंगे, ग्राइंड करे सो अपन पेस्ट इसका। चलिए अब इसको एक साथ भुनेंगे, भुनते रहेंगे ना तो लम्स आ जाते इसमें। अच्छी तरह से भुने जाना, 5 से 10 मिनट्स तक मीडियम आंच पे अच्छा भुनेंगे इसको। जितना अच्छा भुनेंगे गोल्डन कलर आ जाना पूरा इसका, मूंग की दाल का पूरा। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, अभी से खुशबू आना शुरू हो गई। अच्छा भुनना घी में इसको। चलिए अपन इसके साथ ही अपन ये भुनते ही इसमें किशमिश ऐड कर देंगे, ताकि दाल के साथ अपना ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं काटे हुए बादाम काजू डाल रही हूँ, बारीक काट लेके रखी थी मैं काजू बादाम को। चलिए इसके साथ ही अपन इसको भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा भुने जा रहा हूँ, पूरा अच्छा गोल्डन कलर करेंगे। देखिए कितने दानेदार हुआ अच्छी तरह से। ऐसे ही भुनना अपन, अभी भुने जाना है इसको। अभी 5 मिनट्स तक अच्छी तरह से भुनेंगे। जितना अच्छा घी आप अच्छा डालना, और असली घी में ही भुनना ही है, और असली घी में ही इसका टेस्ट आता। मैं तकरीबन आधा कप मूंग की दाल ली तो आधा कप घी ली मैं इसमें। जितना अच्छा घी डालेंगे उतना अच्छा फ्राई होता। देखिए घी अभी नहीं छूटा साइडों से, जब तक घी पूरा साइडों से नहीं आ रहा जब तक अपन भुनते रहेंगे इसको अच्छी तरह से। पूरा जितना अच्छा भुने जाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। भुने बाद इसमें दूध ऐड करेंगे, अच्छी तरह से गोल्डन हो गया बस। चलिए देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुने गया, देखिए कलर भी पूरा चेंज हो गया। इसमें थोड़ा सर का मैं तकरीबन 1/2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छी तरह से दूध के साथ फिर अच्छी तरह से भून लेंगे इसको एक बार। जितना अच्छा भुने जाएंगे उतना अच्छा बन के रेडी होता अपना हलवा। पूरा दूध का पूरा सूख जाना पूरा, उतना भुनेंगे फिर एक बार। चलिए इसके साथ ही अपन इसमें शक्कर डालेंगे, तकरीबन 2 कप शक्कर डाली मैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते शक्कर। अच्छे तरह से मिक्स करेंगे इसको, अच्छा पूरा मेल्ट हो जाना पूरी शक्कर। उतना भुनेंगे पूरा कलर चेंज हो जाना इसका। बहुत इजी है, बहुत अच्छा बन के रेडी होता, बहुत टेस्टी। चलिए इसके साथ ही इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छा शेरेदार बनाएंगे इसको। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ हलवा अपना। भुने अच्छा गया, देखिए पूरा साइडों से भी घी आ गया पूरा, पूरा अच्छा भुनेगा।
थोड़ा सर का कलर डालेंगे, ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हो या तो स्किप भी कर सकते हैं कलर को। थोड़ा डाल रही मैं लाइट एकदम, आप लेमन भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं कलर। अल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ अपना हलवा। देखिए घी भी अच्छा आया साइडों से, मैं एकदम मीडियम आंच पे रखी थी इसको और अच्छी तरह से भुने गया, शक्कर भी अच्छी तरह से वो हो गई, मिल्ट हो गई। चलिए इसको सर्व कर लेंगे अपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत दिखने में ही इतना अच्छा दिख रहा, पिस्ता है ये। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ अपना मूंग की दाल का हलवा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल पे। जब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिए। शबा खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बन के रेडी हुआ देखिए आप।